कोरोना वायरस के चलते बटाला के राधा स्वामी सत्संग ब्यास ब्रांच नंबर एक ने अपने बाबा जी सरदार गुरविंदर सिंह ढिल्लों के आदेश पर लंगर शुरू किया गया। ये लंगर उन लोगों के लिए लगाया गया है जो लोग गरीबी रेखा में रहते हैं। उनके द्वारा सत्संग घर में लंगर प्यार और पूरी सेवा और भावना से तैयार किया जा रहा है और प्रशासन के सहयोग से इनके द्वारा हर घर तक अपनी गाड़ी में रखकर घर घर तक पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में सेवादारों द्वारा किस तरह लंगर तैयार किया जा रहा है। सत्संग घर के इंचार्ज ने बताया कि उनके द्वारा ये लंगर दिन में दो बार पैक करके लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है, एक दिन में और दूसरा शाम को। शुरू में जब लंगर इनके द्वारा शुरू किया गया तो 1000 लोगों के लिए बनाया जाता था। अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है और अब 4000 लोगों के लिए तैयार किया जाता है और इस लंगर को वितरण करने में प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। जो हमें सेहत विभाग से तरफ से इंस्ट्रक्शन आती हैं कोरोना वायरस 19 के विरुद्ध लड़ने के लिए, उसका पूरा ध्यान रखते हुए सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता है जी। पैकिंग उसी हिसाब से की जाती है। जितने भी सेवादार यहाँ पे आते हैं बाकायदा उनका चेकअप होता है। सुबह डॉक्टरों की टीम आती है, वो हमें पूरे जितने सेवादार उनको चेक करते हैं। अगर कोई सेवादार को टेम्परेचर होता है तो उनको अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि बाहर इनके जो हैंग वो लगाए हुए हैं कि जितने भी सेवादार आएंगे जो खांसी बुखार वाले हैं उनको अंदर आना अलाउड नहीं है। जड़ा लंगर तैयार होता किन्ने जनों दिता जाता है प्रशासन की तरफ से? हमें जो लिस्ट आती है उसी हिसाब से, जैसे पहले दिन 1000 पैकेट था, 1000 लोगों की जरूरत थी, उसके बाद सेकंड डे 1500 की, आज तीसरे दिन बढ़कर 2000 लिस्ट हो गई है और लोगों को, जरूरतमंद लोगों को ये खाना पहुँचाया जा रहा है। सवेरे और शाम दो टाइम खाना पहुँचाया जाता है। जैसे प्रशासन हमें लिस्ट देता है उसी हिसाब से प्रशासन अपने साथ जाके जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन हमारी तरफ से फिर भी जो सेवादार हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप वेरीफाई करो कि जो जा रहे हैं उन वाकई वो असल लोगों को पहुंच रहा है। ये पूरा वेरीफाई करके जिन लोगों को असल जरूरत है उन तक खाना पहुँचाया जाता है। सर पहला जत्था जड़ा आंदा ना वो 4 बजे आंदा सवेरे, वो 4 बजे तो लै के शाम के 7 बजे तक वो सेवा करते हैं सेवादार। 2 शिफ्टां दे विच जड़ा वो लंगर तैयार होंदा वा। पहली शिफ्ट जड़ी आ वो पहली शिफ्ट दे विच 11 बजे 10:30-11 बजे तक जड़ा वो पुगताया जाता वा ब्रेकफास्ट के तौर पर। उस तो बाद जड़ी आ शाम नू अड़े ना 5:30-5:30 बजे तो लै के 7 बजे दे विच विच जड़ा ना वो लंगर दूसरी शिफ्ट का वो पुगताया जाता है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2000 ਪੈਕ ਲੰਚ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜਦੇ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 6000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਬਣਦਾ, 6000 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ? ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਵਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ? ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਕ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ, 10 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ 10:30-9:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟਾਲਾ ਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।